ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो उनके शासन काल की याद दिला दी। चुनाव वो हार रही हैं, छपरा की घटना को जानबूझकर क्रिएट किया गया है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना कि नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गवा दे, ये कतई उचित नहीं। तो हमें न्याय चाहिए, सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, प्रशासन से हमारी मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूँ आपके साथ पूजा। छपरा में चुनावी हिंसा और गोलीकांड में दो की मौत पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तारकिशोर प्रसाद ने घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसके लिए राजद को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इसकी पटकथा राजद ने कल से ही लिखना शुरू कर दिया था। बीजेपी नेता ने कहा कि सबने देखा कि कल किस तरह से राजद उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ पर उपद्रव किया गया है। उन्होंने कहा कि यह घटना राजद के शासन काल की याद दिलाती है, जंगल राज में ऐसा ही हुआ करता था। उन्होंने कहा कि वो चुनाव हार रही है इसलिए हताश और निराश है, इसलिए ऐसा माहौल पैदा कर रही है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अब तक हुए सभी चरणों के मतदान शांतिपूर्वक हुए हैं, लेकिन छपरा की घटना को जानबूझकर क्रिएट किया गया है। देखिए, छपरा लोकसभा क्षेत्र की कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी पटकथा राष्ट्रीय जनता दल कल से ही लिखना प्रारंभ किया है। और जिस प्रकार से बूथ पर जाकर उम्मीदवार और उनके सहयोगियों के द्वारा न्यूसेंस किया गया है, उपद्रव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उनके शासन काल की याद दिला दी। चुनाव वो हार रही हैं इसीलिए इस प्रकार का न्यूसेंस की जैसे वो लग रहा था कि अवसाद में चली गई हैं। लेकिन अभी तक जो चुनाव हुआ है किसी तरीके का उपद्रव नहीं हुआ है। किसी प्रकार का उपद्रव क्यों होगा, लोगों ने शांतिपूर्वक मतदान किया है। लेकिन छपरा की घटना को जानबूझकर वो एक उसे क्रिएट किया गया है। लोगों का आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग को लेकर इस तरह की घटना। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, इसकी पटकथा कल से ही लिखी जा रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कल से ही हो रही है। वो बूथ पर जाकर उत्पात कर रही है, स्पष्ट लोगों ने देखा है कि बूथ पर कौन जाकर। वही जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इस घटना में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का काम है। रोहिणी आचार्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हार सामने दिखाई दे रही है, ये घटना उसी का एक रूप है जो सामने आया है। तो वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसक घटना अच्छी बात नहीं है, जो भी लोग दोषी हैं उसकी जांच होनी चाहिए। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करना चाहिए। नहीं, ये चिंताजनक है, चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है, जांच होनी चाहिए। कल हमारे यहाँ भी मतदान था, हाजीपुर में भी था, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जानकारी इस विषय पर हमारे पास नहीं है, पर जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की जरूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गवा दे, ये कतई उचित नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाजपा का गुंडा जो था बैठा हुआ था और वही ये सब किया है, बूथ कैप्चर किया जा रहा था। देखिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये समय इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। अगर इस तरीके की बातें होंगी तो कई उदाहरण फिर हम लोग के पास भी है कि किसने क्या किया। ऐसे में जो भी हो, जिसकी वजह से भी ये घटना घटी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर इस पूरे घटनाक्रम पर राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य बेहद गुस्से में है। रोहिणी आचार्य ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये भाजपा वाले पूरे डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें न्याय चाहिए, हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है जिनमें से 2 की मौत हो गई है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, इन्हें पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए, उनके ऊपर प्रशासन तुरंत FIR करे। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए, हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, इनके ऊपर
एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे, आप लोग भी सबको ही थे मेरे साथ वहाँ पे, हम बूथ लूटने गए थे कि गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में, उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए, तो हम फिर अंदर क्या करने आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है, उसके बाद से ये लोग पत्थर बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी भाजपा वाले गुंडे को? हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है ये? देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में कल से। भाजपा के सारे तो निकल गया ना डिटेल, जाके पता करवाइए। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।